नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहां पर निकल के आई है कि ग्रेटर नोएडा से का जो एरिया है पर्टिकुलर, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में होगा। 6,807 करोड़ का निवेश, ये होंगे निर्माण। एक लेजिमेट न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई हुई है। तो पूरी न्यूज का हम एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट के व्यू से, रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पॉर्टेंट न्यूज है, क्या क्या योजनाएं होने वाली हैं, कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा, पूरा इस वीडियो में समझेंगे, पूरा आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो यदि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम अपने YouTube चैनल पे इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यदि आपको लगता है कि ऐसे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा, ऑल नोटिफिकेशन का, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसका लाभ ले सके। तो समय को बर्बाद न करते हुए न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 6,807 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मोबाइल कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग का हब बने गी। तो देखिए, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो डेफिनेटली एनसीआर का एक बड़ा रीजन है, नोएडा से सटा हुआ है और बड़ी एमएनसी कंपनी। यदि आप एक्सप्रेसवे कभी आए हैं, नोएडा का जो एक्सप्रेसवे है आगरा, और ये आगरा का जो एक्सप्रेसवे, आगरा से जुड़ा हुआ एक्सप्रेसवे, तो इसके साइड में बड़ी एमएनसी जो कंपनी है, बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी है, जैसे मेडिसिटी पार्क है यहाँ पे, और मतलब इस तरीके से आईटी पार्क है। तो बहुत सारी ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, लेकिन सरकार की ये सोच है यहाँ पे कि इसको और डेवलप किया जाए जिसमें और सारी इंडस्ट्री मशीनरी। अभी न्यूज़ में जैसा कि आपने सुना था, एक प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी है, वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पर लगाना चाहती है, सॉरी सैमसंग जो है वो यहाँ पे लगाना चाहती है। सैमसंग का ऑलरेडी, यदि आप दादरी इस रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है, जिसको शायद आप 1 या 2 दिन आपको घूमने में ही लग जाएगा। तो इसके अलावा ये कंपनी, और भी कंपनियां हैं जो इस तरीके से निवेश कर रही हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या न्यूज़ है यहाँ पे, आपको पूरी पढ़ के मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में बन रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के बृहद विकास के लिए बड़ा रोड मैप तैयार हुआ है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के विजन के अनुसार इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को 6,807 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल मशीनरी, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, पीवीसी पाइप, फिटिंग्स, पाउडर व लिक्विड पेंट्स, इलेक्ट्रिक वायर तथा कॉपर ट्यूब्स का निर्माण की इकाइयां, मतलब कंपनी लगेंगी यहाँ पे। इसकी स्थापना और संचालन की प्रक्रिया के लिए लीज डीड प्रोसेस का जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से 11 किलोमीटर की दूरी पर अजायपुर रेलवे स्टेशन के करीब इस टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। इस क्षेत्र से, यह क्षेत्र नोएडा मुख्य शहर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे 747 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के हो रहे विकास में से 332 एकड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल, 72 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग व ईडब्ल्यूएस रेजिडेंशियल तथा 38.15 एकड़ में कॉमर्शियल लैंड यूज की गतिविधियां दी गई हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज भी यहाँ पे, ये चीज बड़ा अच्छा यहाँ पे लगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे अब जहाँ पे रोजगार है, जहाँ पे ये सारी चीजें, डेफिनेटली मुझे लगता है वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग या इस तरीके के जो है वो यहाँ पे होने चाहिए, जो कि सरकार का एक विजन भी है। सरकार भी यही सोच रही है कि जैसे जैसे आप ये मुद्दा है, जैसा कि बेरोजगारी या ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को डेवलप्ड किया जाएगा और आसपास ही बस्तियां बसाई जाएंगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रहने के लिए घर, कॉलोनी, प्लॉट्स उपलब्ध करा जाएंगे, सो दैट लोग वहीं पर रहें और वहीं पर
काम करें। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये ग्रेटर नोएडा जो क्षेत्र की है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।